हाय स्टिल येट ऑलरेडी इनमें डिफरेंस क्या होता है स्टिल स्टिल वर्ड हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज़ एक समय पे ख़त्म हो जानी चाहिए थी बट वो तब खत्म नहीं हुई यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज नॉट फिनिश्ड अभी तक फिनिश नहीं हुई एस्पेशली व्हेन इट वाज एक्सपेक्टेड टू फिनिश अर्लियर वो एक्सपेक्टेड थी फिनिश होना बट वो फिनिश नहीं हुई तो हम वर्ड यूज करेंगे स्टिल ये स्टिल वर्ड यूज होता है क्वेश्चन में अफर्मेटिव में एंड नेगेटिव सेंटेंसेज में भी सवाल पूछ रहे हैं क्वेश्चन अफर्मेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में भी फॉर एग्जाम्पल ही इज स्टिल एंग्री एट हिज बेस्ट फ्रेंड आर यू स्टिल स्मोकिंग क्वेश्चन है आई thought यू हैड क्विट तो यहाँ हम वर्ड यूज करेंगे स्टिल येट कहाँ यूज होता है येट वर्ड इज यूज वेन यू यूज टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड टू हैपन एक्सपेक्टेड था ये चीज़ होना बट नहीं हुआ यूज इन क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंसेज में होगा फॉर एग्जाम्पल हैव यू रिटर्न द रिपोर्ट येट अब इसमें थोड़ा नेगेटिव है सवाल पूछ रहे हैं और ये नेगेटिव है अंडर टोन तो हैव यू रिटर्न द रिपोर्ट येट जिम हैज नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क येट टू यूज इन क्वेश्चन एंड नेगेटिव सेंटेंसेज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड टू हैपन ऑलरेडी ऑलरेडी तब हम बोलते हैं वेन यूज टू टॉक अबाउट सम थिंग दैट हेज़ हैपन ऑफन अर्लियर देन एक्सपेक्टेड मतलब ये चीज़ इस टाइम फ्रेम पर कम्प्लीट होनी थी और ये इसके पहले ही कम्प्लीट हो गया तो वो ऑलरेडी होगा फॉर एग्जाम्पल यूजअली यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज एंड क्वेश्चन अफर्मेटिव एंड क्वेश्चन में ये सवाल ये वर्ड यूज होगा आई ऑलरेडी नो वॉट आई विल बायू फॉर योर बर्थ डे मुझे पहले ही पता है वॉट आई विल बायू फॉर योर बर्थ डे तो देट इज़ दिस ऑलरेडी हेज़ टिम ऑलरेडी लेफ्ट द पार्टी सो दीज आर द डिफ्रेंसेज स्टिल येट एंड ऑलरेडी टाउ लेट एस टॉक अबाउट होमोग्राफ्स ये क्या होते हैं इनकी स्पेलिंग सेम होती है बट प्रोनासीशन डिफरेंट हो सकता है और मीनिंग भी डिफरेंट हो सकता है सेम और डिफरेंट साउंड हो सकती है बट स्पेलिंग सेम होगा एल आई ई एल आई ई ये अनट्रुथ है ये डाउन है टीयर 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 आंसू इन द आई एंड टीयर अपार्ट टाइगर टीयर अपार्ट दिस इज रिप सो फॉर एग्जाम्पल लेटर एल ई डबल टी ई आर एल ई डबल टी ई आर यहां इसका मतलब है देर इज अ लेटर फॉर यू दिस इज अ लेटर और ये अल्फाबेट्स ए बी सी बी इज द सेकेंड लेटर ऑफ द अल्फाबेट सो बोथ आर डिफरेंट लिव वी यूज टू लिव इन लंदन Live. The club has live music most times. Most nights. Minute. I will be back in a few minutes. This is minute. RBIK minutes of meetings. You would better minute that point. So this is about meeting. This is novel. I read a lot of novels. And this is novel. What a novel idea. Kitna acha idea. This is right. Right means I'm sure I'm right. Right means take direction. Take a right, turn at the intersection. फुल रिंग वेडिंग रिंग रिंग मीन्स मोबाइल टेलीफोन आई रिंग यू लेटर नाउ लेट टॉक अबाउट वोकेबुलरी वोकेबुलरी में आज हम बात करेंगे दिस लेटर डी की ए वी ऑलरेडी बी एंड सी एंटोनिम एंड सिनोनिम डिके डे का मतलब होता है शय वहां पर वो डिके हो रहा है शय हो रहा है वो कोलेप्स हो रहा है डिकम्पोज हो रहा है वो एंटोनिम कुड बी फ्लरिश या प्रोग्रेस डिसीट का मतलब होता है छल डिसेप्शन आर्टिफाइस एंड डिसीट का एंटोनेम हो सकता है वेरेसिटी या सिंसियरिटी डेसिफर करना मतलब किसी चीज़ को पढ़ना वो कुछ मैसेज था क्रिप्टिक था उसको आपने डेसिफर किया इंटरप्रेट करना रिवील करना जैसे पुरानी लैंग्वेजेस को हम डेसिफर करते हैं मिस इंटरप्रेट और डिस्टॉर्ट इज अपोजिट ये उसके अपोजिट हो सकते हैं डेडिकेट का मतलब है समर्पित डिवोट या फिर कॉन्सक्रिकेट कॉन्सिक्रेट इसका एंटोनिम हो सकता है रिफ्यूज या नेगेट डिफर का मीनिंग है विलंब करना जैसे प्रिलिम्स एग्जाम डिफर हुए थे विलंब करना प्रोलोंग सस्पेंड एंटोनिम कुड बी एक्सेलरेट और एक्सपायर डिफाइल का मतलब है वो अशुद्ध है कंटेमिनेट है पॉल्यूट है एंटोनिम कुड बी प्योरीफाई और सेंटिटी डिफ्रे डिफ्रे का मीनिंग होता है चुकाना स्पेंड पे करना ऑपोजिट हो सकता है डिस्क्लेम करना रिप्यूडिएट करना वो पैसे नहीं देना रिप्यूडिएट करना डिस्क्लेम कर देना डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, कर कॉशियस इंटेंशनल काम है वो एंटोनिम कुड भी रैश है सडन है अन इंटेंशनल है डिलीशियस मतलब खाना स्वादिष्ट है पैलेटेबल है टेस्टफुल है एंटोनिम कुड भी डिस्टेस्टफुल और अनसेवरी डिमोलिश मतलब ध्वस्त होता है रून डिवास्टेड एंटोनिम कुड बी रिपेयर और कंस्ट्रक्ट education, एजुकेशन डिजिटल डिवाइड हो गए हैं एजुकेशन से वंचित, could be restore और renew. डिराइड means होता है उपहास करना मजाक बनाना मॉक टॉन्ट एंटोनिम कुड बी इंस्पायर और एनकरेज डेस्पिकेबल का मतलब है नीच वर्थलेस शेमलेस एंटोनिम कुड be वर्दी डिसेंट है वो डिस्डेन का मतलब है तिरस्कार डिटेस्ट और डिस्पाइज एंटोनिम कुड बी अप्रूव और प्रेज सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ